असलम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी क्या हाल है, कैसे हैं? तो जी देखिए तो आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। मैं बना रही हूँ पुलाव, आज जुम्मा है और यासीन घर पे नहीं है आज। यासीन सुबह सवेरे ही चले गए थे क्योंकि उनको जाना था आज कहीं दूर। तो यासीन का भांजा भी आया होगा, वो भी उसके साथ गया है। तो मैंने कहा चले, मैंने असल में ना इस दफ़ा एक भी शायद पुलाव बनाया नहीं, बनाया मुझे भूल गया है। पता नहीं किसको ब्लॉग भी मैंने डाला है कि आप लोगों के साथ के लिए। तो मैं अभी बारिश में भीगती हुई बाहर गई हूँ और मैं लेके आया टमाटर। मुझे घर में कुछ सब्जी, टमाटर प्याज और राइस, तीनों चीज़ें ख़त्म थी और घर में फिर यही भी नहीं थी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और फिर मुझे खुद ही जाना पड़ा। और इतनी शदीद बारिश और बारिश के बाद अभी जी धूप निकल आई है। मैं इतनी अर्जेंटली गई हूँ कि बारिश लगी हुई है और रुकने वाला कोई चांस नहीं था। और अभी जी धूप निकल आई है और मैं भीगती हुई गई हूँ। और राइस घर में ख़त्म हो चुके थे और गोश्त में भी ऑयल है तो गोश्त मैंने बॉइल कर लिया है। मुझे भी जान के मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप बताएं आज आप क्या करें और क्या कौन कौन आज मेरी तरह गोश्त का पुलाव बना रहे, मटन पुलाव बना रहे। प्याज ब्राउन हो गया तो मैं इसमें हरी मिर्च और टमाटर काट लेती हूँ। अजीब सी बारिश है कसम से, और बारिशों की वजह से मैं आपको बताऊँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस तरह ठंडी की बारिशों में। चलो क्यों ना आपसे शेयर किया जाए आज का खाना। कपड़े भी मेरे सारे गीले हो गए पसंद से। इंदू इस्लामाबाद की बारिशों का कोई पता नहीं चलता कब कैसे बरस जाए। और इसमें मैंने सारा गोश्त डाल दिया, इसको थोड़ा सा ना फ्राई कर लूँ ताकि ये आलू अच्छे से ज़रा भून जाए। और मुझे राइस ज़्यादा लग रहा है और गोश्त कम लग रहा है। और इसकी यखनी है, इसको मैं छान के और फिर हड्डियाँ देखिए मैंने लग कर दी है। और गोश्त देने लग कर रही है क्योंकि जब आप राइस खाते ना तो वो मुँह में आता तो अच्छा नहीं लगता। घर जाने का प्लान बनते बनते रह गया है, जाना है लेकिन कैसे जाना है और कब जाना है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया और बस। और मेरे पास ये वाली छन्नी है, मैं इसके साथ पानी को निकाल लूँगी ताकि वो पानी इसमें बाकी सारा जो भी मैंने इसमें डाले थे जो मसाले हुए वो सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। तो ये देखिए छन्नी से मैंने छान लिया है और ये मेरा पानी बचा है। मैं नमक चेक कर लूँगी और भाई थूक भी आप देख सकते हैं, अजीब अल्लाह की काम है जी। तो भाई इससे मेरा पुलाव बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं। फोकस करें कि मैं आपको दिखाऊँ कितना अच्छा बना है।
चिकन दाना, एक ही चावल। तो ये मैं अम्मा को देने जा रही हूँ। गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया और तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ शेयर किया जाए अपना पुलाव। लाइट करते हैं ऑफ। तो गाइस मैं अपने रूम में सारे काम खत्म कर लिए और अभी मैंने कपड़े चेंज किए हैं। मैंने ये ग्रीन सूट पहने और बगैर प्रेस के पहने, और इसलिए कि मैं सारी भीगी हुई थी और प्रेस करने का मेरा कोई मूड नहीं था। तो मैंने कहाँ जाना है, अभी पसीने आएंगे और अभी ऐसे के वैसे हो जाएंगे कपड़े। तो ये बेडशीट मेरी बहुत अच्छी निकली है, जो मैंने अभी भी ईद पे ली है, बिल्कुल अच्छी नहीं निकली मेरी बेडशीट। तो मेरा दिल बहुत खफ है और मेरा चाय का मग आज सुबह का इधर ही पड़ा है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और प्लीज़ आप लोग भी मुझे, हाँ एक चीज़ आप लोगों को और दिखाती हूँ। ये ना मैंने कुछ इयर रिंग्स लिए थे, ये 3 का पैक था। एक में ये राउंड थी, स्क्वायर थी और ट्रायंगल थी, सिंपल सी थी। मैंने कहा चले आप जैसे कहीं जाना आना होता तो बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पहनने को दिल नहीं चाहता, जैसे अभी गर्मी है। तो ये अच्छा मुझे मिला था और ये मुझे मिला था 160 में 3। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँ। और ये मैंने एक रिंग भी, इस तरह की मेरी पहली भी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत प्यारे इसके स्टोन और बहुत अच्छे वाले स्टोन है, इसमें से गिरते नहीं हैं। तो ये भी मैंने परचेज़ की थी। और ईद पे मैंने इतना ख़ास कुछ नहीं बनाया था, ड्रेस भी बनाई थी। तो ड्रेस मैंने बनाई थी आप लोगों को मैंने बताया, ये दुपट्टा और ये था मेरा सूट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था मेरा ईद का सूट जो मैंने नहीं बनाया, नहीं पहना। ये इसके पैचेस थे, ब्लू और डार्क ब्लू और लाइट, यानी कि फिरोजी कलर जो नहीं, जिसे फिरोजी कलर कहा जाता है, ये वो है। और ये साथ मल्टी शर्ट में दुपट्टा, डबल टाइन डाई वाला। तो ये मैंने कोई भी नहीं पहना ईद पे। तो ये मेरा ईद का सूट था जो मैंने पहना ही नहीं है, और टाइम भी नहीं मिला, कहीं आना जाना भी इतना नहीं किया। तो एक एक्स्ट्रा सूट पड़ा हुआ था उस दिन मामू के घर गया, तो वही पहन के लिया। तो गाइज़ ये था मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच किया करें, ज़रूर देखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर किसी अच्छी नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।